स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों मैं सागर आज आपके सामने आरआरबी जेई के एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल जो एक टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड 10 बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जेई के लिए तो खास करके इम्पोर्टेंट है और आरआरबी एनटीपीसी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ताजमहल इज इन इंडिया इज अफेक्टेड बाई ताजमहल इंडिया का वो किस कारण इफेक्ट हो रहा है, तो एसी ड्रेन के कारण क्या हो रहा है, ये इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इज, हाईएस्ट सोर्स क्या है, तो सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल से धुआं निकलता है, सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट बात करते हैं, विच काउजेज एसी ड्रेन, क्या कारण है जो कि एसी ड्रेन होता है, तो एयर पॉल्यूशन इज द मेन काउज ऑफ एसी ड्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर टू एसिड्स formed when gases react with teeny droplets of water in cloud, क्या बोल रहा है, जब गैस रिएक्ट करता है, जब बरसात होता है उसके ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, तो दो एसिड का फॉर्मेशन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। जब गैसेस क्या होता है ना, टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करता है तो रिएक्ट करता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बरसात के रूप में होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है ओजोन डिप्लीशन से, डिप्लीशन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ओजोन इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ओजोन जो है किस लेयर में प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ एसी ड्रेन, एसी ड्रेन का क्या नेचर होता है, कोरोसिव होता है, कोरोसिव। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक बाथरूम्स, किचन एंड वॉश बेसिन, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सलेज बोलते हैं, SUDLLAGE। जो वेस्ट वाटर होता है जो कि बाथरूम से निकलता है, किचन से निकलता है, वॉश बेसिन से निकलता है, जिसे बेसिन बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, सलेज बोलते हैं। विच इज द मोस्ट एसिडिक इन पीएच स्केल, पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक होता है, तो 0 क्या होता है, मोस्ट एसिडिक होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, और 14 क्या होता है, मोस्ट अल्कलाइन होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, मोस्ट अल्कलाइन बोलेगा तो 14, मोस्ट एसिडिक बोलेगा तो 0। इन रेसिडेंशियल एरियाज द परमिसिबल नॉइज लेवल इन डे एंड नाइट टाइम इज, डे के समय कितना होता है, डे के समय 55 डेसिबल तक चलेगा डीबी तक, और नाइट के समय अगर बात करें तो 45 डेसिबल, ठीक है, डीबी। ये आपका क्या हो गया, नॉइज लेवल हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके फर्दर वीडियो भी मैं लाते रहूंगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए, इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।